क्लास टेंथ वी आर डूइंग चैप्टर एट ट्रिग्नोमेट्री फोर क्वेश्चन प्रीवियस वीडियोज़ में हमने बना लिए हैं तो उन वीडियोज़ को आप देख सकते हो अगर आपको पिछले कंसेप्ट समझना है तो फिफ्थ क्वेश्चन में है गिवन सीकेंड थीटा इज इकल टू थर्टीन बाई ट्वेल्व कैलकुलेट ऑल रिश अब ये थीटा एक नई चीज़ आ गई वॉट इज थीटा थीटा भी एक एक्यूट एंगल ही होता है यहाँ पर थीटा एक एक्यूट एंगल है जो नाइन्टी से लेस है ठीक है और हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो राइट ट्रेंगल पर ही एप्लीकेबल होते हैं तो मैं इस ट्रा का नाम अगर ए बी सी रख लेती हूँ तो एक्यूट एंगल ये दोनों है इन दोनों में से किसी भी एक का नाम आप थीटा रख सकते हो तो मोस्ट प्रॉबेबली बेस वाले का ही रखा करो उससे थोड़ा ईजी हो जाता है समेटा ये बेस ये पोपेंडिकुलर और ये हाई पॉटनिज़ एज यू नो सीकेंड थीटा है थर्टीन बाई ट्वेल्व सीकेंड का फॉर्मूला होता है एच बाई बी तो हाई पॉटनिज़ थर्टीन बेस इज़ ट्वेल्व तो पपेंडिकुलर कितना आ जाएगा थर्टीन का स्क्वायर माइनस ट्वेल्व का स्क्वायर दैट इज़ वन सिक्सटी नाइन माइनस वन फोर्टी फोर दैट इज़ ट्वेंटी फाइव का रूट फाइव ओके तो यानी आपकी जो साइड मिसिंग थी ये मिल गई तीनों मिल गए फाइव ट्वेल्व थर्टीन अब आपको क्या फ़ाइंड करना है ऑल रेशोज़ ऑल रेशोज़ मीन सीकेंड तो है ही है बट उसके अलावा फ़ाइव रेशोज़ मिसिंग है तो फाइव के फाइव निकालने हैं साइन थीटा भी चाहिए कॉस थीटा भी चाहिए टैन थीटा भी चाहिए कॉट थीटा भी चाहिए और एक कॉस एक थीटा पाँचों चाहिए आपको साइन का फॉर्मूला पी बाय एच कास का पी बाय एच टैन का पी बाय बी कॉट का रेसिप्रोकल होता है इसी का और कॉसिक्स साइन का ऐसी प्रॉकुल होता है तो एच बाय पी पी बाय एच पी कितना है फाइव बाय थर्टीन बी कितना है ट्वेल्व बाय थर्टीन पी बाय बी फाइव बाय ट्वेल्व बी बाय पी ट्वेल्व बाय फाइव एच बाय पी थर्टीन बाय फाइव तो ये आपके फाइव आंसर्स हैं गॉट इट ये बेसिक्स हैं अभी ट्रिगो के आगे आगे इलेवंथ क्लास में तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे आइडेंटिटीज़ खूब सारी लर्न करनी पड़ेंगी क्वेश्चन नंबर सिक्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसे ध्यान से समझना ठीक है हमें बोला है ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स एक्यूट एंगल हैं तो ड्रॉ करते टाइम ध्यान रखना ए और बी इस तरफ होने चाहिए सी नाइनटी पे होगा बिकॉज एक्यूट दोनों हैं तो ए बी एक्यूट है बी भी एक्यूट है और एक चीज़ और गिवन आपको कॉस ए इजिकल टू कॉस बी कॉज ए टू कॉस बी ठीक अब देखो कॉस ए का फॉर्मूला बी बाय एच है इसका भी बी बाय एच है लेकिन जब एंगल एक्यूट इधर है तो बेस ये और है यानी कि ए सी बेस है और ए बी है ए सी बाय ए बी और जब कॉस बी है तो बेस ये वाला है बेस ये वाला है तो यानी बी सी बाय हाईपोटनियस बी सी बाय ए बी राइट तो ए बी से ए बी दोनों कैंसिल हो गए ए सी इज टू बी सी आ गया अगर किसी ट्राएंगल के दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उसको हम आइसो सेल्स बोलते हैं अगर दो साइड्स इक्वल होते तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं आइसो प्रॉपर्टी से तो सो so, एंगल ए इज़ इक्वल टू बी बाय आइसोसेल्स प्रॉपर्टी आइसो प्रॉपर्टी सबको याद होगी अगर किसी ट्राएंगल के दो एंगल इक्वल होते है, हैं तो अपोजिट दो साइड्स इक्वल होते है, हैं तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं तो दो साइड्स इक्वल हमने प्रूफ कर दी इसलिए एंगल्स भी इक्वल होंगे ओके दिस वॉज क्वेश्चन नंबर सिक्स